अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है और इसे किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो कीवर्ड डिफिकल्टी 1 से लेके 100 तक होती है, और ये बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी आर्टिकल को किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए, फर्स्ट 3 पोजीशन में लाने के लिए या फर्स्ट पेज पर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसे मेजर किया जाता है डोमेन अथॉरिटी के जरिए, पेज अथॉरिटी के जरिए, ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, इन चीज़ों के बारे में आप आगे जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन, सर्प इंटेंट, वेबसाइट टाइप। तो जो सबसे ज़्यादा टूल लोग रेकमेंड करते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करने के लिए वो एचरेफ है और कीवर्ड फाइंडर है। तो अगर आप किसी भी कीवर्ड को एंटर करें एचरेफ में, तो यहाँ पे ये नीचे कीवर्ड डिफिकल्टी शो होगी। अब ये कीवर्ड है, इसकी 20 सर्चेज हैं और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 7 है। तो आप अगर इसे कीवर्ड फाइंडर में पेस्ट करें और फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करें, तो ये आप देख सकते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। ज्यादातर जो एसईओ हैं वो एचरेफ्स की डिफिकल्टी को प्रीफर करते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में कीवर्ड फाइंडर भी एक्यूरेट बताता है। सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप गूगल के ऊपर कीवर्ड को सर्च करें और सर्च इंटेंट को देखें। तो अगर इस कीवर्ड को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें ई कॉमर्स रैंक कर रही है, मतलब ये सर्चर इंटेंट के खिलाफ है और यहाँ पे रैंक किया जा सकता है। और ये कुछ ओल्ड आर्टिकल्स हैं 2019 के, अगर 2020 के लिखे जाएं तो उसके जरिए भी इसे कम्पीट किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको कीवर्ड डिफिकल्टी के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी वीडियो।